हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुविल्स ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 4 मैथमेटिक्स अगस्त 2021 पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट टाइम 1 आवर मार्क्स 25। ठीक है, तो ये पेपर है स्टैंडर्ड 4 का, क्लास 4 का मैथमेटिक्स का पेपर है पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट अगस्त 2021 का। टाइम हमारा है 1 आवर। ठीक है, टाइम 1 आवर है और मार्क्स हमारा है 50 मार्क्स का है पूरा पेपर है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप ये पेपर का सॉल्यूशन तभी देखना जब आपका पूरा का पूरा पेपर ख़त्म हो जाए और आप उसको आपको स्कूल में सबमिट करके आना है, उसके बाद ही आप पूरा का पूरा पेपर देख लेना। ठीक है, तो आपको पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड है। अभी उसका 1 है हाउ मैनी फेसेस डज अ ब्रिक हैव इन टोटल। तो ब्रिक में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कैसे मैं समझाता हूँ। टॉप में जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, फिर साइड्स में 2 फेसेस होते हैं। फिर फ्रंट में 1 फेस। ठीक है, बैक में 1 फेस। ठीक है, बैक में भी 1 फेस होता है। और लास्ट है बॉटम में भी 1 फेस। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 1 + 4 + 4 + 1 + 5 + 5 + 1 = 6। ठीक है, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं ब्रिक के। ओके, ड्रॉ फिगर ऑफ अ ब्रिक विच शोज 2 फेसेस ऑफ इट। ठीक है, तो हमें ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है ब्रिक की जिसमें हम 2 फेसेस ब्रिक के देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी फिगर हमें ड्रॉ करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे ड्रॉ। ठीक है, ऐसे करेंगे, एक स्लैंड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ करेंगे। अभी क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रिक के 2 साइड्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। ठीक है, 2 साइड्स हम लोगों को दिख रहे हैं। अभी हम लोग आते हैं थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा है ड्रॉ एनी पैटर्न ऑफ ब्रिक वॉल की कोई भी पैटर्न हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो एक पैटर्न हमारी ये है। ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। ठीक है, ये वाली पैटर्न है ऐसे। ये वाली पैटर्न जो है वो ब्रिक की एक पैटर्न है। आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है गैस एंड राइट द मेजरमेंट। गैस करना है और हमारा मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा योर हाइट। अगर योर हाइट आपको पता है, आपकी हाइट आपको पता है तो वो लिख दो, या फिर आप लिख दो 100 सेंटीमीटर आप लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड है लेंथ ऑफ योर क्लासरूम की लेंथ। तो क्लासरूम की लेंथ अगर आपको पता है, एग्जैक्टली आपको पता है तो वो लिख लो, या फिर आप लिख लो 6 मीटर। हर लगभग सारे क्लासरूम की लेंथ 6 मीटर होती है। ओके, यहाँ पे है लेंथ ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टेक्स्ट बुक। ठीक है, मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक होती है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 15 सेंटीमीटर हो सकती है, बट 20 सेंटीमीटर गैस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ है विथ ऑफ योर मोबाइल फ़ोन की विथ 3.5 या 3.8 या 3.4 या फिर ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं फिफ्थ पे हाइट ऑफ योर क्लासरूम लिख देते हैं आप 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर लिख देते हैं हाइट, 6 मीटर हो जाती है क्लासरूम की हाइट। ठीक है, आपके क्लासरूम की हाइट 6 मीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे है 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। 300 सेंटीमीटर है तो उसमें मीटर में कितना है। ठीक है, कितना मीटर है वो, तो क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अगर यहाँ पे है 300 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा। ठीक है, कितने होंगे। ठीक है, तो 100 और 300 कितने हो जाते हैं। ठीक है, 100 300 कितना डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर है तो 1 + 2 कर दो, 3 मीटर हो जाएगा। 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब यहाँ पे है 15 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 15 मीटर करेंगे तो कितने सेंटीमीटर पे, तो हमें ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 15 मीटर लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 × 100 करना पड़ेगा। 15 × 100 मतलब यहाँ पे तो 2 जीरो है ना, वो यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1500, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था 3 मीटर, ठीक है, 1500 सेंटीमीटर। ओके, अभी यहाँ पे थर्ड वन है, थर्ड हमारा कि 700 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, ठीक है, तो क्या करना है हमें, वी नो दैट के 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, ये हमें पता है। अभी हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा डिवाइड, 7000 अंदर रखेंगे, 1000 बाहर रखेंगे, अब 1000 में 7000 कब आता है, 7 times आता है, ठीक है, 7000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर। ओके, कोई दिक्कत, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्थ में 2 meters and 45 centimeters है, ठीक है, 2 meters 45 centimeters, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दैट 2 meters जो गिवन है 2 × 100 कर देंगे, क्यों 100 करेंगे, क्योंकि 1 meter इज इक्वल टू व्हाट, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeters, तो 2 meter गए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे 45 सेंटीमीटर अलग से दी गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 45। अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा 245, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 245 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे है फिफ्थ वन हमारा है 5 किलोमीटर 50 मीटर, और यहाँ पे गिवन है 5050 मीटर, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा ज़्यादा है, अगर 5 किलोमीटर 50 मीटर ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें साइन करनी है, अगर 5050 मीटर ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें साइन करनी है, अगर दोनों इक्वल है तो हमें इक्वल की साइन करनी है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये तो कन्वर्टेड में ही है, ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे तो वी नो दैट 1 किलोमीटर यहाँ पे गिवन है, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 किलोमीटर है तो 5 × 1000 कर देंगे, 1000 × 5 क्या हो जाता है, 5000 हो जाता है, ठीक है, 5000 इज अवर व्हाट आंसर, तो 5000 यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे प्लस 50 गिवन है तो 50 प्लस कर देंगे, ठीक है, 50 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5050 मीटर। तो क्या ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी 5050 मीटर और यहाँ पे 5050 मीटर, तो दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे साइन कर देंगे इक्वल की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डू एस डायरेक्टेड, हमें जो कहा गया है वो हमें करना है, ठीक है, उसमें से फर्स्ट वन क्या है, राइट 5060 इन वर्ड्स, 5060 को हमें वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे, पहले तो 5000 लिख देंगे, 5000 लिख देंगे, ठीक है, 5000 लिख दिया, 5060 बाकी रहा तो 60 लिख देंगे, ठीक है, 5060, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड वन करते हैं, सेकेंड वन हमारा कि राइट 2009 इन नंबर, ठीक है, जहाँ पे 2000 है, 100 का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, टेंस की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो 009, ठीक है, तो 2009 इन द नंबर। ओके, तो यहाँ पे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 6704, प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या है, ये वाला जो है 4 किस में है, 4 वंस में है, 0 है वो टेंस की प्लेस पे है, 7 है वो 100 की प्लेस पे, और 6 है वो 1000 की प्लेस पे है, तो अगर ये 100 की प्लेस पे है तो हम 7 और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 digits बचे, 0 और 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 00, ठीक है, 00 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 digits बाकी रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे फोर्थ है हमारे यहाँ पे लिखेंगे दैट 12 × 5, 12 5s क्या होता है, तो 12 5s कुछ नहीं होता, 12 5s 60, ठीक है, 12 5s 60। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी जीरोज विल कम आफ्टर 1 in 10,000, तो कितने जीरो आते हैं 1 के बाद 10,000 में, तो 10,000 को पहले लिख देंगे, ठीक है, 1 को नहीं देखना, देखो आफ्टर वन तो 1 के बाद कितने जीरो आते हैं, तो भैया 1 2 3 4, तो 4 जीरो आते हैं तो लिख देना है 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स, यहाँ पे कुछ नंबर स्टोरीज दी गई है, नंबर प्रॉब्लम्स दी गई है, उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे गिवन है दैट फर्स्ट क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ 1000 bricks इज 2400, ठीक है, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4000 bricks, ठीक है, तो 1000 bricks के लिए 2400 rupees खर्च हो रहे हैं, अभी उनको 4000 ब्रिक्स मंगवाना है तो वो कितना खर्चा होगा उसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग,
सिंपल सा करेंगे, ठीक है। एक 1000 ब्रिक्स में 2400 है और 4000 ब्रिक्स में कितने होंगे, तो क्या कर देंगे, तो 2400 जो होगा वो एक ब्रिक पे काम आएगा, ठीक है, तो इंटू 4 कर देंगे, तो वी विल गेट अवर आंसर, ठीक है। तो 4 4 0 0 4 0 0 4 4 0 16 एंड 4 2 0 8 +1 विच इज 9, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ₹9600, ठीक है। हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया ₹9600। अभी हम लोग सेकंड में चलते हैं। सेकंड हमारा है, इफ़ वी नीड 20 ब्रिक्स टू मेक अ सीड बेड अराउंड अ प्लांट देन हाउ मैनी सीड बेड्स कैन बी मेड फ्रॉम 300 ब्रिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा क्या जा रहा है कि एक सीड बेड बनाने के लिए 20 ब्रिक्स लगेंगे, तो हमारे पास 300 ब्रिक्स है तो कितने सीड बेड बन जाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डिविजन करेंगे, ठीक है, डिविजन करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, अंदर 300 को जाने देंगे और बाहर 20 को ले लेंगे, ठीक है, और 20 के टेबल में 300 आता है, ठीक है, 20 के टेबल में 300 आता है, बट उसको हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, 20 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, 2 डिजिट लेंगे, 20 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 20 आता है, ठीक है, तो 20 इसमें माइनस कर देंगे, और 20 में 20 कब आता है, 1 2 20 1 20, ठीक है, क्या कर देंगे, अभी 30 माइनस 20 विच इज 10 और एक 0 और ऐड कर देंगे तो विच इज 100, 20 के टेबल में 100 आता है, हाँ आता है, कब आता है, 25 और 100 आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऊपर 5 लिख देंगे और 100 माइनस कर देंगे, हमें हमारा रिमाइंडर मिल गया 0, ठीक है, हमारा रिमाइंडर मिल गया 0, तो हमें यहाँ पे मिल गया है 15, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 ब्रिक्स से हम 15 सीड बेड्स बना सकते हैं, ठीक है, 15 सीड बेड्स बना सकते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे थर्ड वन कर लेते हैं, थर्ड वन हमारा क्या है, अ डोनर डोनेटेड 12,000 और 1,200 ब्लॉक्स इन अ स्कूल, फ्रॉम देम 900 ब्लॉक्स वर यूज्ड नियर ड्रिंकिंग वाटर रूम, हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, ठीक है, तो एक डोनर होता है, एक डोनर जो देता है, ठीक है, डोनर को कंफ्यूज मत हो जाना, डोनर मतलब जो फ्री में चीज़ देता है, ठीक है, आपको डोनेट करता है, ओके, तो वो डोनेट करता है एक स्कूल को 1200 ब्लॉक्स बनाने के लिए, 1200 ब्लॉक्स बनाने के लिए, ब्लॉक्स दे देता है, ठीक है, बनाने के लिए। अभी उसमें से स्कूल ने 900 ब्लॉक्स यूज़ कर दिए, जो पानी पीने वाला रूम होता है ना उसमें, ठीक है, पानी पीने वाला स्कूल में पानी पीने वाला रूम होता है, उसमें उन्होंने 900 ब्लॉक्स यूज़ कर दिए, तो अभी कितने ब्रिक्स उनके पास बचे अगर उन्होंने 900 ब्लॉक्स यूज़ कर दिए और उनके पास 1200 ब्लॉक्स थे। सिंपल करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बड़ी अमाउंट है तो वो 1200 माइनस 900 यूज़ कर दिया तो माइनस 900, ठीक है, अभी क्या है, 0 माइनस 0 विच इज़ 0, 0 माइनस 0 विच इज़ 0, 2 माइनस 9 हो नहीं सकता, तो इसको हम कट कर देंगे आगे वाला नंबर और उसमें हम एक डिजिट माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग कट करके 12 लिख देंगे, ठीक है, तो 12 है, 12 माइनस 9 विच इज़ वॉट, विच इज़ 3, ठीक है, तो यहाँ पे 300 इज़ अवर आंसर, तो 300 ब्लॉक्स और बच जाएंगे जब उन्होंने स्कूल ने 900 ब्लॉक्स यूज़ कर दिए 1200 ब्लॉक्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास 4 का मैथमेटिक्स का अगस्त 2021 का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट वाला पेपर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन खत्म होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।